नायक नहीं खाली नायक हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद काकूरो। भाव हो देखो कितो अच्छो भाव। एक मिनट वास्ते अगनारो चेहरो खिला दियो। एक मिनट एक बार ताली बजाओ काकूरो वास्ते। एक मिनट वास्ते चेहरो खिला दियो। क्या बात है। अट बैठा देना कोई नहीं जाना यार। मंच मत आया छह देश में लाइव देख लियो बिना टोकन रिचार्ज हुआ। क्या बात है। धन्यवाद है थारो शीश माने थाने। मैं तो आपके पूरा भजन में आओला यार। पड़ोसियां निवेदन करूं ने भेजो आप गया। हाँ जब तेरे पेड़ हेलमेट पहरावन। गुरुदेव केवे सुन चेला तेरो जन्म सफल कद कद वेला। आज अपा बैठा ये जन्म सुधार करने की जगह है और बहुत ही पवित्र जगह है। इन जगह पर मैं बार बार कहूं बैठो बैठो बैठो। कारण का ही है इस जगह पर बैठना हूं। लाखों करोड़ा अपराध लाखों अपराध जड़िया करे। क्योंकि बड़ा लोग लिखे कि कपड़ा माते सर्फ ना कर पानी डाला ना तो भी को मेल उतरिया करे। सत्संग में बैठना हूं बहुत बड़ा फायदा है। अट बैठ रहे जब 5 रुपया कटी गौ भक्ति में देवा तो बीरू डबल फायदा है। लेकिन मन ने हम जानो पड़े सबसे बड़ो मन है और दान मन को देने दे। बाकी शरीर तो दान देना चाहे लेकिन ये मन नहीं माने। कई जना रो मन बोले देवा कि नहीं देवा। पैसों ठाने जावे लो नहीं जावे लो। तो आपसे मेरा निवेदन है जो आप यह दान दे रहे हैं ये आपका टोटल पैसा दिया हुआ एक एक रुपया श्री देवला जी महाराज गौशाला जूसरी में काम आएगा। एक एक रुपया इसलिए मन को हम जाओ। मन ने हम जानो बहुत जरूरी है। घना जना रो मन को नहीं माने। घना जना रो मन नहीं माने। गांव में रहे जो को विचार करे एक बंगलो मकराना में बढ़ो। गांव वालों विचार करे एक बंगलो मकराना में बढ़ो तो कैडो करवे। अरे मकराना में रहनी हो मन में विचार करे एक बंगलो जयपुर में बढ़ो तो कैडो करवे। जयपुर वालों मन में विचार करे एक बंगलो दिल्ली में ठोको तो कैडो करवे। दिल्ली वालों मन में विचार करे एक बंगलो कलकत्ता में बढ़ो तो कैडो करवे। कलकत्ता वालों सोचे एक बंगलो बंबई में बढ़ो तो कैडो करवे। अरे बंबई वालों मन में सोचे एक बंगलो अमेरिका में बढ़ो तो कैडो करवे। अमेरिका वालों मन में सोचे एक मकान चांद मा तो बढ़ो तो कैडो करवे। यार चांद वालों मन में सोचे अभी बेराम पड़ जाऊं तो कैडो करवे। मन नहीं माने सा मन दोरो घड़ो हम जाए। ई मन ने हम जानो बहुत जरूरी है। लास्ट मन में ई मन ने हम जानो पड़ी। क्योंकि दुनिया में पार उतरने का दो ही मार्ग बताया तुलसी संसार में धारा देखी दोई। अरे धन चाहे तो धर्मा दो कर ले मुक्ति नाम से। ये दो ही मार्ग है लास्ट का। दुनिया को सबको पता है। अबार अपा के वहां कोनी सुनो जागण मत होड़ो। बोले कहीं भजन गावे जगह झूठा। लेकिन लास्ट में दुनिया छोड़ के जाएंगे तो एक ही नाम आएगा राम नाम। पची तो मरती टाइम कह राम नाम सत्य। तो लास्ट में याद आवे सत्य और जरा गौशाला में ले लेता तो फायदो। पर आटे लेवा कहीं आटे दान से ना लिवी है। हाँ तो जिन्होंने दान दिया उनका नाम दुनिया में हमेशा अमर था और दुनिया में उनका नाम अमर रहेगा। क्योंकि दान देने वाले का कभी नाम नहीं मिटता। साहब नाम अमर होता है। चांद सूरज बारिश शाक भरिया करे चाहे तो दान तन का हो चाहे दान मन का हो या चाहे दान धन का। आज कई लोग तन की सेवा दे मीठड़ी 50 गौ भक्त आयोडा आपकी सेवा में चाय पानी दूजो तीजो सब काम काज 50 बंदा खड़ा मीठड़ी रहा। ये तन की सेवा दे आया। बोले मैं टाबर हाँ 5 रुपया घंटा मेरे कहने को नहीं लेकिन सुबह आरती तक मैं आटे सेवा देवा। एड़ा 50 बंदा आयोडा तन की सेवा दे प्रकाश जी रो प्रेम है। कई आयोडा मन की सेवा दे। बोले दूजो तो नहीं कर सको लेकिन मीन कहना मनु हम जा सको पैसा थारो घर क्यों करे 50,000 देव। कई आवड़ा धन की सेवा दे उन्हें पर्चिया ही मेरे कने। ये धन के दान दाता एक एक रुपया जोड़ के इन्होंने गौ भक्ति में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्रथम राशि आई है श्रीमान मकरणा के MLA साहब रूपाराम जी मुरावतिया MLA फंड से 5 लाख की राशि। 14 तालु से स्वागत रूपाराम जी मुरावतिया का। 5 लाख की राशि MLA फंड से और 31,000 रुपया रूपाराम जी मुरावतिया की ओर से 14 तालु से स्वागत MLA रूपाराम जी मुरावतिया। आज आपके परिवार से शिवदान जी गिटाला आपके भांजा तो इस दुनिया छोड़ के चले गए इस कारण MLA साहब नहीं पहुंचे वरना यहां आते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। हम इस दुख की घड़ी में आपके परिवार के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। समस्त नरेगा स्टाफ जूसरी नरेगा स्टाफ फैमिली में जाऊंगा
बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नरेगा स्टाफ जूसरी, ग्राम पंचायत जूसरी, सभी नरेगा मजदूरों की ओर से 1,11,000 हाथ उठाकर तालियों से स्वागत। नरेगा मजदूर यूनियन स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो साहब आगे बस्टोल गुण आयो, आगे हफ्ता बुरुड़ा गुण आया, कई हफ्ता बुरुड़ा भाई घर में लिया बैठी। मैं तो कहूं बुरुड़ का कौन दिया कौन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी गांव में बहुत बड़ी कृपा है सरपंच साहब मस्टोल ठाकुर, सरपंच साहब ठाका यार मैं तो कहूं एक इनकी पर्ची और दे दो। हाँ मैं आभार ले लिया, कोई दिक्कत को श्रीमान स्वर्गीय कुमाराम जी गावड़िया की स्मृति में आपके धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मा देवी जी, सुपुत्र सालूराम जी, चेनाराम जी, नानू जी, मला जी, राजू राम जी, सुपुत्र हेमा जी, आशु जी, आपकी ओर से 30x60 फीट का हॉल निर्माणाधीन है इस गौशाला में, जिसकी लागत है 7,00,000 रुपए। बोले देवड़ा जी महाराज की, बोले गौ माता की, बोले तेजा जी महाराज की, वीर बाबू जी राठौड़ की, बोलो कर्मा भाई जी महाराज की जय हो। जे में कोई लारे मंत्री जो ना हो वो फ्री रो मामलो, एक रिपियो नहीं लागे जे में, पर कई जना कह फ्री रो जना आगे राज जय बोलो पया मदो रिपिया नहीं देना, जडा जावे जते 5 रुपया देना, खाली फ्री में नहीं रहना भाई। और सुबह सुबह टेम मकराना गयो आगे लिखियो जोधपुर मिष्ठान भंडार माए बड़गो, मिष्ठान भंडार में 2 दरवाजा, एक में लिखियो रोकड़ से खाना, एक में लिखियो उधार खाना। विचार करियो रोकड़ कौन दे उधार में, उधार में बढ़ियो 2 दरवाजा, एक में बंगाली मिठाई, एक में नुक्ति चक्की। बोले नुक्ति चक्की कौन घीटे बंगाली खावा, बंगाली में 2 दरवाजा, एक में चमचम, एक में कड़ाकंद। विचार करे कड़ाकंद कौन खावे, चमचम खावा, चमचम में 2 दरवाजा, रोकड़ से खाना फ्री में खाना। बोले कुड़ खावे रोकड़ में, चमचम खावा देना फ्री में खावा। जीव फ्री वाला दरवाजा में बढ़ियो आगे जूसरी वाली मेन सड़क सीधी बाईपास होते हुए, तो ज्यादा फ्री में नहीं लारा नहीं रहना है, कई फ्री में एवडा। बहुत बहुत धन्यवाद। 60x65 का टीन शेड निर्मित है इस गौशाला प्रांगण में। श्रीमान उगमा जी अर्धा उद्योगपति, दुलाराम जी फिडोलिया उद्योगपति, श्रीमान प्रकाश जी सरपंच जोश्री, आपकी ओर से टीन शेड का निर्माण हो रहा है जिसकी लागत है 4,00,000 रुपए। हाथ उठा के आशीर्वाद है सभी बामाशाओं का। बोलो देवड़ा जी महाराज की जय हो भाई जय। आज बहुनी हकरी हुई है क्या बात। 65x40 फीट का टीन शेड निर्मित है जिसके लाभार्थी है जयराम जी बुल्डक, रामनिवास जी बुल्डक, डेर की ढाणी चूसरी, जिसकी लागत है लगभग 3,25,000 रुपए। अरे साहब ताली मोड़ी बाज रही है, ताली बाज बहु कही जीवन हाथ में कोई धंधरो कोटो वे बंद वे जो घुल जावे। आप हथाड़ी देखो जीवन हाथ में धंधरो कोटो अंगूठो टीके जटे ताली बजाणो कोटो कोई बंद जो को खुलिया करे 2 साल भी कोटा बंद है घड़ा जनारा खाली मासुको काम चला। एक बार हाथ उठा के बामाशाओं के समान में ताली बजाए माता बहनो जय हो धन्यवाद। मैं एक घनी तालियां बजाई घासलेटर कोटो खुलियो। श्रीमान प्रकाश जी बाकर सरपंच जोश्री आपकी ओर से सरकारी कोष के द्वारा, पहले सुनना पहली ताली पांचा जी पहली ताली मत बजा, 2 बार बजानी पड़ी। सरकारी कोष से सरपंच कोटे से 1 ट्यूबवेल विद कनेक्शन, 1 पानी की टंकी जिसकी लागत है 6,00,000 रुपए। रुको रुको और बोलो, बेली बजावा हाची बजावा, ट्यूबवेल विद कनेक्शन पानी की टंकी 6,00,000 रुपया और आपके खुद के निजी 5,00,000 रुपए, 6, 5, 11,00,000। फुल दो जोरदार हाथ ऊंचा करके तालियां बजाए प्रकाश जी भागर के लिए। ऐसे युवा दिलेर गौ भक्त को मैं दिल से सलाम करता हूं, पूरे भाकर परिवार को प्रणाम करता हूं।
क्योंकि महात्मा लोगों ने लिखा जननी जने तो चार जन मत जन चालीस, अरे चारू रण में जूझता चार बन जावे। सतीनार सुरा जने बड़ बागड़ जने दातार, अरे लक्ष्मी तो संत जन जने अफूर जने संसार। ऐसे सुरवीर पुरुषों के चरणों में मेरा कोटि स्वंदन। 11 लाख की राशि सरपंच महोदय ने, 6 लाख सरकारी कोष से और 5 लाख अपने खुद की जेब से गौ माता के चरणों में बैठ दिया। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोले देवड़ा जी महाराज की, बोले गौ माता की। श्री वीर तेजा निर्माण सेवा समिति सबलपुर के कार्यकर्ताओं की ओर से 21,100 रुपए जेठमल जी माणकचंद जी चोटिया चूसरी 11,000 रुपए कमल किशोर जी रूतला केलवा किराना 11,000 रुपए सरोराम जी मऊ जी ढाका चूसरी 5,000 रुपए साहब ताली बजानी, 1 रुपये देवे तो ही बजानी, लाख देवे तो ही बजानी, करोड़ देवे तो ही बजानी, ताकि भामाशाओं का श्रीमान मालाराम जी छापुनिया महामंत्री मेघवाल समाज मकराना जोरदार तालियां मालाराम जी गढ़ बैठा। कहा है मालाराम जी? मालाराम जी जय हो, आ गया हो महामंत्री और बहुत ही सुंदर अजी मेरे छोटे भाई चांद भाई गुजर आरजे अकीश तेजा जी की रचना देवड़ा जी महाराज की रचना के साथ जागरण को और 2 पायदान आगे बढ़ाया। उसी 3रे पायदान पर जागरण को आगे बढ़ा रहे हैं बहुत ही हंसमुख मिजाज के धनी भाई चांद गुजर। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जूसरी ग्राम पंचायत को, भाई साहब प्रकाश जी भाकर साहब को बहुत बहुत साधुवाद आपके एक अनूठे प्रयास को मैं सलाम करता हूँ। आपने ये गौ माता का आयोजन रखे समूचे नागौर नहीं राजस्थान नहीं भारत नहीं पूरे विश्व में एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है। आज लगभग 6 देशों में लाइव चल रहा है, 6 कंट्री में लाइव चल रहा, जूसरी को 6 देशों में देखा जा रहा है। ये अपने लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। एक बार तालियों से स्वागत समस्त जूसरी ग्राम पंचायत का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने सभी सरपंचों को एक मंच पर बैठा दिया है, यह बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। पूरे भारत के नौजवान सभी सरपंचों को एक मंच पर बैठाने का बहुत बड़ा एक इतिहास बना दिया आपने। रात्रि का भजन संध्या हमारा गेड़ा कला में था, ऐसा मुकेश जी डारा सरपंच साहब यहाँ पधारे हैं। एक बार गेड़ा कला के लिए भी जोरदार तालियां, 1.25 करोड़ की राशि आई थी रात को, 1.25 करोड़ रुपये एक रात में गौ माता के लिए इकट्ठा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गेड़ा कला के तमाम गौ भक्तों का, दूर दराज से पधारे सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं का। जो भी गेट के बाहर खड़े उनसे मेरा निवेदन है कि आगे आ जाए, खूब जगह पड़ी है, लंबा चौड़ा पंडाल है, गेट पर कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। या विधिवत गौ माता के लिए आप आए हैं तो गेट के अंदर आ जाएं, पूरा पंडाल खाली पड़ा है। यदि आप पीछे थोड़ा अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करें तो थोड़ा आगे सरक जाए, थोड़ा थोड़ा आगे भी सरक सकते हैं आप। जितने भी भाई गेट पर खड़े हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद श्री सतगोपाल गौ चिकित्सालय मीठड़ी के लगभग 30-35 टोटल 50 कार्यकर्ता यहाँ पधारे अपनी सेवा देने के लिए। एक बार तालियां मीठड़ी के कार्यकर्ताओं के लिए, पूरी टीम पधारी है सतगोपाल गौ चिकित्सालय मीठड़ी। और भाई साहब तिलोक जी पूरी टीम लेके यहाँ पधारे हैं, आपका मंच पर स्वागत, गांव की ओर से स्वागत और समस्त म्यूजिशियन ग्रुप की ओर से आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद गटाणी जी। गौरक्षा दल की टीम किशनगढ़ से पूरी टीम पधारी है, डोंगर भाई सूरज भाई हनुमान जी भुगालिया आ जाए, हनुमान जी आ जाए, धन्यवाद। बड़े प्रेम से भगवान का जयकार लगाते हुए जागरण को आगे बढ़ा रहे हैं। बोलो श्री गौ माता की, बोलो श्री देवला जी महाराज की, बोलो सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज की।
बोलो वीर बाबू जी महाराज की, बोलो अजमल गर्व तार की। जे आपने बोलने हो, जे मारे बेड़ी को नहीं हो, मैंने सिर्फ भजन गाँव ने बुलाया और पया बेड़ा करो ने बुलाया और पर्ची जय भरी है। जेरो हारो आपने लगानो है बस, क्योंकि वक्ता में गुण एक, श्रोता में गुण चार, हर दोना को मतो एक वैसे तो उजिए बैठो पार। ठाकुर माको दोना को जुड़ाव जरूरी है, अकेले मारू कहीं नहीं वेला, आप भी मारा थे जुड़ो ला तो बहुत गौ माता के लिए बहुत भारी राशि इकट्ठी वेला आज, बहुत बड़ो इतिहास बने लो आज जूसरी की धरती पर। मुझे पक्का भरोसा है और मुझे देवड़ा जी महाराज पर पक्का भरोसा है कि जिन बाबे रे शरण में आपाया विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी गांव में आज एक संत जिन्हें कहे तो भी कम, ज्ञानी जन गुणी जन संत प्रवृत्ति के बहुत ही शिष्टाचार पुरुष श्रीमान शिवदान जी गिटाला जो आज दुनिया में नहीं है, उनके चरणों में मैं कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को हमेशा शांति दें और सतलोकवासी भगवान परमपिता परमात्मा उनको आपके चरणों में जगह दें, उनकी कमी हमेशा अपने बीच में रहेगी। बहुत ही संत प्रवृत्ति के, बहुत ही साधु प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी थे जो आज इस दुनिया छोड़ के चले गए, उनकी कमी हमेशा अपने बीच में रहेगी। उनके परिवार को मैं इस दुख की घड़ी में संबंध रखने की भगवान परमपिता परमात्मा से यही मंगल कामना करता हूँ। बार बार यही बोल रहे हैं कि जो बाहर खड़े उनको निवेदन है कि अंदर आ जाएं, जो गौ माता को मां मान के यहां पधारे हैं, देवला जी महाराज को अपना आदर्श, देवला जी महाराज को जो अपना आदर्श मानते हैं, प्लीज एक बार आके पंडाल में बैठ जाएं। जहां तक आवाज जा रही है, जिनको सुनाई भी दे दिया, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के गर्भवती यही विनती कर रहे हैं, आप पंडाल में आके बैठे। यदि आप गौ माता को मां मानते हैं तो दरी पे आके आराम से बैठ जाएं, और यदि आप दरी पर नहीं बैठ सकते तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरी जगह आप बैठ जाएं। हाँ, यूं आगे तो कहीं कर सका। हाँ, जगह फुल पड़ी है साहब, अभी तक लगभग हमारे पास 5,000 आदमी बैठने की और जगह पड़ी है। हाँ, लगभग 50,000 बैठ चुके हैं और 5,000 की जगह और भी हमारे पास रिजर्वेशन में है। बिल्कुल निस्संकोच होकर यहाँ बैठे हैं, आपका व्हीकल, आपकी गाड़ी बहुत सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही आज कार्यक्रम सुचारू रूप से तय किया प्रकाश जी भाई साहब ने, और बहुत ही सुंदर तरीके से रूपरेखा बनाई है कि कहीं आने वाले भक्तों के अंदर कोई तरह का व्यवधान दिक्कत नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रैफिक व्यवस्था को, आपने जो एक इतिहास बनाया है, अच्छे अच्छे गाँवों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन आज दूसरी में आपने जो टोकन वाली व्यवस्था की है, अपने व्हीकल के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी गाँव के तमाम छत्तीस कौम के ग्रामवासियों का। एक दो जयकारा और लगाएंगे आप, बोलो श्री देवला जी महाराज की, बोलो श्री गौ मात की, बोलो धरती मात की, इंद्र भगवान की, भारत मात की, अमर शहीद हरि भाकर की जय हो। जय ओह।